सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Redmi Note 10 Pro की, जो हमने Amazon से ऑर्डर किया है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि Redmi Note 10 Pro 2022 में बाय करना चाहिए कि नहीं, इसकी वर्थ है कि नहीं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इधर है, खाली है, फोन ला। तो ये आ चुका है हमारा Redmi Note 10 Pro, तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज, ये है Redmi Note 10 Pro का बॉक्स, जिसके पीछे कुछ मेन हाइलाइट्स दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डॉट डिस्प्ले है, HDR है। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732 4G प्रोसेसर है, और इसके कैमरे का फीचर है 64 MP AI क्वाड कैमरा है, 5020mAh की बैटरी है, और 16 MP का AI सेल्फी कैमरा है। तो ये रहे कुछ मेन स्पेसिफिकेशन फ़ोन के बारे में। तो आगे हम फ़ोन का थोड़ा लुक देख लेते हैं। ये है फोन, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं जब तक के लिए। ये है फोन, ये है गाइड, और ये है सॉफ्ट केस फोन की प्रोटेक्शन के लिए। सिम इलेक्ट्रिक टूल, और ये रहा चार्जर। ये 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर है, जो अब फ़ोन को तेज़ी से चार्ज करने के लिए बहुत है। और यह है USB A2C केबल। तो गाइज, ये सब तो हो गई, बॉक्स के अंदर क्या है, अब चलिए सब साइड कर लेते हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, फ़ोन के बारे में कि ये कैसा है। तो ये है Redmi Note 10 Pro का डार्क नेबुला कलर, 6GB रैम, 128GB वेरिएंट है ये। सो गाइज, फाइनली हमारे सामने ये आ चुका है मेन Redmi Note 10 Pro, जो है डार्क नेबुला कलर, और ये 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है। तो ये सब कुछ रही फ़ोन के बारे में, अभी इसको हम बूट कर लेते हैं। तो ये जब तक अब फ़ोन बूट होता है, मैं आपको इसके ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये है IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, और यह है स्टीरियो स्पीकर, देख सकते हैं आप इसमें। और यह है USB सी पोर्ट, और यह है 3.5mm का जैक। सो गाइज, हम देख लेते हैं कि ये डेडिकेटेड सिम स्लॉट है कि नहीं। सो हाँ गाइज, इसमें आप दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये हमारे पास 6GB रैम, 128GB स्टोरेज का है, और 8GB 128 भी आता है, जिसकी प्राइस तकरीबन 20,000 तक है, और ये अराउंड आपको 18,000 तक अमेजोन पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। सो गाइज, ये है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो इसमें आपको ऑलवेज स्क्रीन ऑन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसा कि आप देख सकते हो। और इसको मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। तो ये है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यह है वॉल्यूम लॉकर। तो देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट आप कितने तेज़ी से काम करता है कि नहीं। सो गाइज, ये बहुत ही फास्ट जल्दी से काम कर रहा है ये। तो गाइज, इसकी सेटिंग में हम जाते हैं, देखते हैं कुछ फ़ोन के बारे में खास स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, और ये MIUI वर्जन 12 को सपोर्ट करता है। गाइज, बाकी और स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा। इस फोन की एक मेन हाईलाइट है, जो है कैमरा। तो इसमें है 64 MP का मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो एक टेलीस्कोपिंग लेंस, और यह है सामने 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइज, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि Redmi Note 10 Pro Max में भी सिर्फ ये जो मेन कैमरा है वो सिर्फ 108 MP का है उसमें,
तो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं लगता है हमें उसमें रहेगा। फिर भी हम एक बार कैमरा का रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि अब हम कैमरा ऑन करते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप टिपिकल यूआई सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको नाइट मोड, 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन, शॉर्ट वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग, टाइम स्लिप, स्लो मोशन के तरह खास खास फीचर आपको मिल जाएंगे इसमें। इसमें प्रो मोड और HDR का भी ऑप्शन है। मैं आपके साथ कुछ इस फोन से ली गई फोटो की सैंपल आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये कुछ कैमरा सैंपल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट कैमरा से ली गई पीके, और ये अल्ट्रा वाइड से ली गई है, और ये 64 मेगापिक्सल से लिया गया है, और ये कुछ माइक्रो शॉट्स है, और बाकी के जो भी है ये फ्रंट कैमरे की पीके और ये रियर की पीके, और बाकी सब भी मैं आपके साथ कैमरा सैंपल्स शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं जो अलग अलग मोड पर अलग अलग टाइम पर लिया गया है। और ये जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये सब इसी फोन से ली गई है। गाइज वो तो बात हो गई कुछ कैमरा सैंपल्स की, अब हम बात करने जा रहे हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की कि इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो ये मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर रहा हूँ, तो जब तक ये ऑन होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल है, पर ये ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो जैसा कि आप गेम प्ले देख सकते हैं, और थोड़े इशू है इसमें, जैसे कि कैमरे के पास से हीट होता है और चार्जिंग के टाइम पे भी थोड़ा हीट होता है, और भी ग्लिच है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस बात करें गेमिंग सेटिंग्स की, तो आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे हाई ग्राफिक्स रख सकते हो या हाई फ्रेम रेट पे एक्सट्रीम ग्राफिक रख सकते हो, दोनों एक साथ एक्सट्रीम नहीं होगा। मैंने इसको पर्सनली भी काफ़ी यूज़ किया है इस फ़ोन को। इसका जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है वो भी बेस्ट है, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ है लेकिन वो फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। और इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो इसको बग बहुत है इसमें, जो आगे फ्यूचर में अपडेट के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। और कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप है जो बेस्ट है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप सब काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो इसमें है 33 वॉट चार्जिंग नहीं है, बहुत स्लो चार्ज होता है, इसको 1.5 घंटा लग जाता है फुल्ली चार्ज होने में। तो ओवरऑल आप इस फ़ोन को 2022 में भी बाय कर सकते हो, अभी भी इसकी वर्थ है, जो अपने प्राइस सेगमेंट की सबसे बेस्ट फ़ोन है अब तक, कैसा कहा जाए।
मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की सारी एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब इसी रेडमी नोट 10 प्रो से की गई है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।